यूपी में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार शासन स्तर पर काम कर रही है, मगर बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय में तैनात महिला डॉक्टर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि महिला डॉक्टर पूनम अस्पताल में कार्यरत नर्स और आशाओं पर प्रसव के लिए आने वाली हर गर्भवती से 100 रुपए वसूलने का दबाव बनाती हैं। इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि अस्पताल की नर्स और आशाओं ने लगाया है। अस्पताल के गेट पर हंगामा करती नर्स, आशा और मरीजों के ईमानदारों की ये तस्वीरें बुलंदशहर जनपद के खुर्जा में स्थित राजकीय महिला अस्पताल की हैं, जहां आशा और नर्सों का गुस्सा किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि स्वास्थ्य महकमे में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ फूट पड़ा और दर्जनों नर्स और आशा अस्पताल के गेट पर जमा हो गई, जबकि नर्स और आशाओं ने अस्पताल की दबंग महिला डॉक्टर पूनम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हंगामा कर रही आशा और नर्सों का आरोप है कि डॉक्टर पूनम न सिर्फ मनमानी करती हैं बल्कि जमकर भ्रष्टाचार भी करती हैं। आरोप है कि आरोपी महिला डॉक्टर नर्स और आशाओं पर मरीजों के ईमानदारों से धन वसूली का दबाव भी बनाती है। इतना ही नहीं, आरोप तो यहां तक है कि डॉक्टर पूनम के पति भी उनके साथ अस्पताल परिसर में स्थित सरकारी मकान में रहते हैं और वो 100 रुपए की फीस लेकर कमरे में ही बच्चों का इलाज करते हैं। यानी पत्नी सरकारी नौकरी में रिश्वत का दबाव बनाती है और पति अस्पताल के ही सरकारी कमरे में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। बस मामला तो ये है कि हम लोगों का शोषण हो रहा है और बहुत काफी दिनों से हो रहा है। पहले नहीं हुआ था मगर अब काफी दिनों से शोषण हो रहा है। हमने तो बस ये मांग रखी थी कि हमें डॉक्टर की जरूरत है। रात में डॉक्टर नहीं मिलते, हम लोगों को प्रॉब्लम आती क्योंकि मरीज हमसे लड़ने को तैयार हो जाता है। तो हमने बस ये वाली बात CMO तक हम गए थे और ऑफ पर गए थे। कुछ लोगों ने ड्यूटियाँ करके भी गए थे, उनकी एबसेंट लगा दी गई, ऑफ वालों की भी एबसेंट लगा दी गई। सारी चीज़ें हैंगी, बहुत सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है और फिर इस बात पे ये हो गया कि नहीं है हमसे चिड़ मान ली गई डॉक्टर पूनम। अच्छा। उनका ये था कि नहीं है कि तुम डॉक्टर के पास क्यों गई, या क्योंकि हमें परेशानी हो रही थी कि डॉक्टर की हमें मांग चाहिए थी क्योंकि जरा से मरीज को कुछ हो जाए या कोई इमरजेंसी आए तो हम तो स्टाफ हो गया कम से कम 10-15 दिन, एक महीना से झेल रहे हैं। मैं आशा हूँ, ये मामला है कि मरीजों को टाइम पर सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो मरीज, हर एक तरह का मरीज आता है तो उसे देखना चाहिए। जब बड़ा डॉक्टर होगा तो उस समस्या का हल तो बड़े डॉक्टर ही करेंगे, भाई इनके बस की नहीं है तो वो करेंगे। पैसे का लेन देन का ये आता है कि जी पैसा दोगे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 100 रुपये पर मैडम मांगती हैं और बच्चे को दिखाने के भी मांगती हैं। पूनम मैडम है नहीं की, बच्चे उनके हस्बैंड देखते हैं, ये मुझे पता नहीं कहाँ पे है, वहाँ पे बैठ प्राइवेट डॉक्टर उनके हस्बैंड। हमने तो कई बार दिखाया ना उन्हें, 100 रुपए का पर्चा बनाते तब तक छुट्टी भी नहीं होती है जबकि अस्पताल में 1 रुपए का पर्चा बनता है। बबली कमर में दर्द था, पेट में दर्द था और जी सांस लेने में परेशानी हो रही है। खांसी की दवाई मांगी तो है नहीं, कुछ नहीं है। क्या सरकार ऐसी बनी रहेगी जो किसी को सुविधा ना मिलेगी, खांसी जुकाम की दवाई ना मिलेगी तो कोरोना तो बनेगा ही। डॉक्टर के पास बच्चे दिखाने जाओ तो 100 रुपए में पर्चा बनाते हैं। वो पूनम डॉक्टर हैं जो सामने बैठी हैं और वो बोली कि पहले डॉक्टर को दिखा के आओ जब हम दवा लिखेंगे। डॉक्टर माँ कोने वाले बिल्डिंग में देख रहे हैं। अच्छा। अब माँ हम बच्चा दिखाने गए तो 100 रुपया मांग रहे थे। अच्छा। हमने 100 रुपया नहीं दिए तो बच्चा भी रख लिया उन्होंने और बच्चे के तो एक इंजेक्शन लगा दिया। यहाँ मैडम ने दवा नहीं लिखी पर्चे पर, न पर्चा दिया। इलाज का दवा नहीं लिखी है तो हम तो प्राइवेट से दवा लेंगे। मेरा नाम है सस लड़की, ऐसे डॉक्टर मांग रहे हैं 100 रुपये। क्या डॉक्टर बच्चा जब देखेंगे तब 100 रुपये जमा करो, हमने जमा ना करे, हमने कर दिया है। इतना ही नहीं, हंगामा कर रही नर्स और आशाओं ने यहां तक आरोप लगाया है कि स्थानांतरण के महज 1 महीने बाद ही दबंग महिला डॉक्टर ने वापस इसी अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, जो यहां नौकरी करने वाली नर्स और आशाओं को काफी हद तक नागवार गुजरा है। खैर, नर्स और आशाओं के आरोप अपनी जगह हैं, मगर CMS RC वर्मा के तर्क अपनी जगह। CMS दावा करती हैं कि अभी तक उन्हें कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, यानी जब तक साहब से कोई लिखित शिकायत नहीं करेगा तब तक साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हालांकि सवाल पूछे जाने पर CMS ने पूरे मामले की गहन जाँच करा, रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपने की बात कही। नर्स लगा रही आरोप, लेकिन लिखित रूप में मुझसे किसी ने न मौखिक रूप से न लिखित रूप से मुझे इस संज्ञान में डाला गया है। अगर संज्ञान में डाला गया होता या कोई प्रत्यावेदन इस ऑफिस में दिया गया होता तो मुझ तक जरूर पहुंचा या मेरे उच्च अधिकारियों तक जरूर। अगर ऐसे आरोप लगा रही हैं
तो उनको एक बार मुझे लिखित में अवगत कराना पड़ेगा, तभी मैं उच्च अधिकारियों को सूचित कर पाऊंगा। वैसे अगर ऐसी कोई गलत आदतें यहाँ चल रही हैं, गलत धंधे चल रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मैंने आपसे ही सुना कि कोई थर्ड पर्सन भी हमारे हॉस्पिटल में है, तो अगर मुझे अब इसकी जाँच कराई जाएगी और अभी मैं आशाओं से बात करूंगा, कहूंगा भाई अपना लिखित प्रत्यावेदन दीजिए, मैं उसको उच्च अधिकारियों को भेजूंगा। नहीं, ये तो इसका जवाब तो बड़े लोग देंगे, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का नहीं होना ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में भी डॉक्टरों का नहीं होना ये एक बड़ी परेशानी का सबब है, जिसको लेकर स्टाफ नर्स और आशाओं में शिकायत है। और उनकी क्या मांग है ये सब लोग हमारे साथ महिला अस्पताल में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या इनकी शिकायत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, जो सभी आशाएं और मैं देख रहा हूँ स्टाफ नर्स पूरा स्वास्थ्यकर्मी यहाँ मौजूद है, क्या मामला है? मामला तो यही है कि हम लोगों को बस यही दिक्कत थी कि रात में हमें डॉक्टर नहीं मिलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी जब आती है तो हमें डॉक्टरों की, क्योंकि हम तो स्टाफ हैं, डॉक्टर तो है नहीं कि हम ट्रीटमेंट दे दें। फिर भी हम बहुत सारी परिस्थितियाँ संभालते भी हैं, मगर कहीं कहीं जगह हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए फिर हम डॉक्टर की, हमें उसकी मांग थी हमारी कि डॉक्टर हमें मिले। जब हमने मांग रखी तो हम फिर और चीज़ों के शोषण बनाया गया, जैसे कि पर डिलीवरी पे 100 रुपये हमें चाहिए और नहीं दिए तो मरीजों का भुगतान स्टाफ ही करेंगी 1400 रुपये का। हाँ। क्योंकि हम लोगों ने मरीजों से बिल्कुल लेना बंद कर दिया, जो खुशी में भी देते थे वो भी हम नहीं लेते। तो उस पर ये हो गया कि 1400 रुपये की धनराशि जो है वो स्टाफ ही देंगी। तो ये मांग कौन करता है पैसों की, और डॉक्टर जो है वो कब से यहाँ नहीं है? इमरजेंसी की अगर बात की जाए तो किस तरह की इमरजेंसी ज़्यादातर यहाँ अस्पताल में आती है? इमरजेंसी जैसे एक्लेम्पशिया पेशेंट आ गया या कोई फिट्स पड़ने वाला जिसका बीपी हाई है, तो उसके लिए तो हमें डॉक्टर अवेलेबल चाहिए, क्योंकि हम ये चीज़ें तो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम खाली नॉर्मल डिलीवरियाँ कर सकते हैं, जो हम कर लेते हैं बिना डॉक्टर के भी कर लेते हैं, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है तो बिना डॉक्टर के भी कर लेते हैं, मगर हर जगह हम लोग नहीं कर सकते। जहाँ हमें डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ तो हमें डॉक्टर चाहिए ही चाहिए। तो आपने कभी जो अधिकारी हैं उनसे कभी नहीं कहा इस बारे में? कहाँ, हमने सारे लोग इकट्ठे होके गए थे, हमारी एब्सेंट भी लगी, ऑफ पे भी एब्सेंट लगी, आके ड्यूटियाँ भी करनी तब भी एब्सेंट लगी हमारी। हमने कहा था अधिकारी से, अधिकारी ने ये भी कहा था कि अपने सीनियर जो डॉक्टर नरेंद्र कुमार हैं उनसे कहिए, उनके पास लिख के दीजिए। हमने उन्हें भी लिख के दिया है, वो अभी हालांकि हमें मिले नहीं है, उनके तक एप्लीकेशन पहुँच नहीं पाई है हमारी। अच्छा, अच्छा। तो इस वजह से हमारी मांग अभी पूरी नहीं हो पाई है कि हमें डॉक्टरों की मांग है। और फिर बहुत सारी चीज़ें शिकायतें हैं कि मैं ये कर दूंगी, फिर इस चांस प्रताड़ित भी किया जाता है, प्रताड़ित भी करा। अच्छा अच्छा, और भी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछेंगे। तो ये एक आरोप ये है कि पैसे लेते हैं, तो कौन ये हैं जो पैसे लेते हैं, और जो यहाँ पेशेंट है जिनका इलाज होने आता है वो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर पूनम है, रेफर डॉक्टर पूनम ही है जो पैसे के लिए वो बोलती है कि 100 रुपये पर डिलीवरी मुझको चाहिए। अच्छा, आप लो ना लो अपनी जेब से दो चाहे, मतलब उनका कमीशन तय होना चाहिए। तो वो जो पेशेंट हैं यहाँ जो डिलीवरी के लिए आते हैं या कोई इमरजेंसी के, तो फिर वो कहाँ उनका इलाज किया जा रहा है आजकल? इमरजेंसी में जो आते हैं मैडम कह देती है उन्हें रेफर कर दो बुलंदशहर के लिए, बल्कि रेफर का काम हमारा नहीं है, डॉक्टर का है। ठीक है, तो ये वो लापरवाही है महिला अस्पताल में जहाँ डॉक्टर नहीं है, प्लस जो यहाँ मरीज इलाज के लिए आते हैं बजाय उनका इलाज किए जाने के उन्हें रेफर कर दिया जाता है। और भी नर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी देखिए, हमारी डिमांड से भी यही है कि तीनों शिफ्टों में हमें डॉक्टर चाहिए, ठीक है, ताकि मरीज को कोई परेशानी ना हो। कितने दिन से यह सुविधा हो रही है यहाँ पर? तब से तो देखो डॉक्टर मिला भी थी, ये भी थी, तो वो चलिए एक महीना हो गया लगभग, उसके बाद से दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अच्छा, तो ये पूनम ये पहले भी किसी मामले में चर्चाओं में रह चुकी हैं? पहले भी रह चुकी हैं। क्या मामला था वो? इनका यही एटीट्यूड अपना यही चलता रहता। तो किसी तरह की कार्रवाई की गई थी इन पर पहले? हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहीं पर। अच्छा, बहाल हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या मांग है आपकी? ये तीनों शिफ्टों में डॉक्टर चाहिए। तीनों शिफ्टों में एक आशा और हमारे साथ मौजूद हैं, क्या आप बताइए मुझे आप जी किस तरह की परेशानी यहाँ हो रही है डॉक्टर ना होने से, या डॉक्टर ना होने से किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? मैडम डॉक्टर ना होने से जैसे किसी का ब्लड कम है या बीपी हाई है तो कोई डॉक्टर नहीं होता, इमरजेंसी में फिर मरीज प्राइवेट ही जाते हैं। हाँ। तो प्राइवेट के लिए किसी के पास पैसा है या किसी के पास नहीं है, तो अगर मैडम होंगी तो 24 घंटे यहाँ पर तो मरीज को सुविधा तो मिलेगी यहाँ पे है। और मैडम पूनम के इसी के चक्कर में मेरा एक मरीज खत्म हो गया था 6 अगस्त को पिछले साल। अच्छा, क्या कारण था जो उनकी डेथ? उन्होंने अंदर नहीं जाने दी थी। अंदर कहाँ? लेबर रूम में बच्चा खत्म हो गया था, बच्चा का औरत ही खत्म हो गई थी पेट में बच्चा। तो किस तरह की उसमें लापरवाही थी ये तो मेरे को नहीं पता, जब अंदर नहीं जाने दिया था। सीएमओ से बात कर ये भी समझना चाहा कि अगर डॉक्टर का ट्रांसफर 1 महीने पहले ही किया गया था तो फिर उनकी तैनाती वापस इसी अस्पताल में क्यों की गई? मगर सीएमओ साहब ने हमारी टीम का फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। खैर, अस्पताल में कार्यरत नर्स और आशाओं द्वारा भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर हैं।
और अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच में इन आरोपों में कितनी सच्चाई पाई जाती है और आरोप सही पाए जाने पर आरोपी दबंग महिला डॉक्टर के खिलाफ विभाग की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मामला खुर्जा नगर के महिला अस्पताल का है, जहां आशाओं की और जो स्टाफ नर्स है उनकी शिकायत ये है कि यहां इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं है। यदि कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ जाता है तो उसका इलाज करने के लिए यहां डॉक्टर नहीं है। इनकी मांग है कि यहां डॉक्टर की तैनाती की जाए। इसके अलावा इनसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर जो हैं वो मरीजों के कमीशन के तौर पर 100 रुपये प्रति डिलीवरी का मांग करती हैं। ये नर्सों का आरोप है। हालांकि जांच होने के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि आखिर ये माजरा क्या है और इनकी जो परेशानी है वो कब तक दूर हो पाती है। कैमरा पर्सन दानिश गफ्फार के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज़, बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।